गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों जय हिंद लिखिए, एक बार जय हिंद लिखिए दोस्तों। और हम लोगों की शुरुआत जो है जय हिंद से होगी। और आज से जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे दोस्तों कि गधों की तरह मेहनत करनी है या घोड़ों की तरह रेस लगाना है। जी हाँ दोस्तों, तो आज से हम लोग एकदम लगातार लग जाएंगे दोस्तों, क्योंकि समय धीरे धीरे बीतता जा रहा है दोस्तों और हम लोगों की पढ़ाई अभी कुछ भी नहीं हुई है। तो इसलिए आप लोग लग जाइए दोस्तों। और आज से हम लोग दोस्तों लूसेंट का निचोड़ पढ़ेंगे। जी हाँ, पूरी लूसेंट दोस्तों टारगेट है दोस्तों कि 15 दिन में दोस्तों पूरा लूसेंट खत्म कर देंगे। 15 दिन में पूरा लूसेंट दोस्तों खत्म कर देंगे। और हमने कहा दोस्तों कि आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं दोस्तों, आप हमारे साथ पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए दोस्तों। एक बार जल्दी से लाइक करिए और कमेंट करिए, जय हिंद। सब लोग कमेंट करिए, देखता हूं कौन कौन लाइव आ गया है दोस्तों। जल्दी से एक बार कमेंट करिए। हनुमान बिश्नोई, नितिन राठौर, अभिषेक, आस्तिक यादव, नितेश कुशवाहा, नील प्रताप, एक बार जल्दी से सब लोग कमेंट में आइए। मुकुंद, जय हिंद। भवानी राठौर, जय हिंद। अभिषेक कुमार, जय हिंद। एक बार जल्दी से सब लोग कमेंट में आ जाइए। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और जिस टॉपिक का नाम है दोस्तों आर्टिकल। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे। और आर्टिकल में दोस्तों ए और एन और द तीन चीज आती है, ए और एन और द तीन चीज आती है दोस्तों। और आज हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे। याद रखिएगा, पूरी लूसेंट का निचोड़ जो है आज से शुरू किया गया है। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों और लाइव देखने का प्रयास करिए। इसकी पीडीएफ भी आपको दी जाएगी दोस्तों। पीडीएफ का पासवर्ड क्या है अभी बताया जाएगा आखिरी में दोस्तों। तो देखते रहिए द स्पीड स्टडी, आपका अपना परिवार। जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इंग्लिश टॉपिक। और आज का टॉपिक जो है हमारा वो आर्टिकल है। पूरी लूसेंट का निचोड़ अब हम लोग पढ़ेंगे। गधों की तरह मेहनत करनी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर घोड़ों की तरह रेस लगानी हो दोस्तों तो डेली सुबह 10 बजे आप उपस्थित होइए और डेली सुबह 10 बजे जो है आपकी क्लास चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब सुनिए दोस्तों, अब लग जाइए। अगर अभी तक नहीं पढ़े थे तो कोई बात नहीं, लेकिन अब एकदम धुआंधार पढ़ाई करिए दोस्तों, क्योंकि सर्फ रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। और आज का टॉपिक है दोस्तों आर्टिकल। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो टॉपिक है दोस्तों आर्टिकल। आखिर ये आर्टिकल है क्या, अगर मैं बताऊँ दोस्तों तो एन आर्टिकल इज ए वर्ड। जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल एक वर्ड है। एन आर्टिकल इज ए वर्ड विच इज यूज विथ ए नाउन। जी हाँ दोस्तों, किसी नाउन के साथ जो है ये लगता है और ये जो है उस नाउन को डिफिनिट कर देता है, उस नाउन को निश्चित कर देता है दोस्तों। अर्थात जैसे अगर लिखा है कॉलेज, लिखा है दोस्तों, अगर कॉलेज लिखा है तो इसका मतलब कॉलेज हुआ, लेकिन इसी के पहले अगर एक कॉलेज कर दिया दोस्तों तो अर्थात ये फिक्स हो गया कि एक कॉलेज। उसी तरह दोस्तों अगर जो है रिवर लिखा है तो रिवर का मतलब हो गया नदी दोस्तों, लेकिन अगर अभी जो है द गंगा लिख दिया गया दोस्तों तो इसका मतलब गंगा, एक स्पेशल नदी की बात कर दी गई। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आखिर आर्टिकल में हम लोगों को पढ़ना क्या है, सुनिएगा। जैसे एक सेंटेंस में दो प्रकार के, अनिश्चित या फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर रहेगा तो ए और एन लगेगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, काउंटेबल का मतलब जिसे गिना जा सके, और सिंगुलर का मतलब एक वचन। जी हाँ दोस्तों, अर्थात एक वचन हो और जिसे गिना जा सके उसे कहेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जैसे दोस्तों लिखा है दिस इज ए बुक, अब बुक है दोस्तों, बुक किताब है और किताब को गिनी जा सकती है, इसीलिए इसके पहले ए का प्रयोग किया गया। उसी तरह ही सेंग ए सॉन्ग, तो दोस्तों सॉन्ग एक गीत है और सॉन्ग को गिना जा सकता है, इसीलिए इसके पहले ए का प्रयोग किया गया। उसी तरह देखिए दिस इज एन अम्ब्रेला दोस्तों, तो अम्ब्रेला भी एक मतलब गिना जा सकता है, छाता है, एक छाता, दो छाता, तीन छाता, इसीलिए इसके पहले एन का प्रयोग किया गया। अर्थात हमने बताया क्या दोस्तों, हमने बताया कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले या तो ए लगेगा और या तो
आइन लगेगा। वहीं दोस्तों एक सेंटेंस में डिफिनिट काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। डिफिनिट काउंटेबल नाउन का मतलब दोस्तों जिसे जो निश्चित हो, निश्चित होने का मतलब कि दोस्तों जैसे देख रहे होंगे द गंगा इज ए हाली रिवर, तो दोस्तों द गंगा, गंगा मतलब गंगा नदी, और गंगा नदी निश्चित है दोस्तों, क्या कोई और गंगा नदी है? गंगा नदी तो एक ही है दोस्तों कि कई गंगा नदी है, तो वो निश्चित है। उसी तरह दोस्तों देखिए द गंगा इज ए हॉली रिवर, तो गंगा के पहले यहां पे द का प्रयोग किया गया। क्या लिखा हमने देखिए, डिफिनिट काउंटेबल नाउन हो तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। उसी तरह देखिए दोस्तों द बॉय हु केम हियर इज माई ब्रदर। अब दोस्तों यहाँ पर भाई के बारे में बताया जा रहा है कि जो लड़का यहाँ आया ना वो क्या था, वो मेरा भाई था, अर्थात निश्चित है दोस्तों, तो इसीलिए यहाँ पर बॉय के पहले द का प्रयोग किया गया। वहीं अगर हम आगे बात करें दोस्तों तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक आपका डिफिनिट आर्टिकल होता है जो द होता है, और एक आपका इनडिफिनिट आर्टिकल होता है जो कि ए और एन होता है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यदि वर्ड के प्रोनंसिएशन का फर्स्ट वर्ड वावेल है तो उसके पहले एन, और अगर कंसोनेंट है दोस्तों तो उसके पहले ए का यूज करते हैं, जो कि हमको बचपन से पढ़ाया जा रहा है। लेकिन बचपन से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन रुकिएगा दोस्तों, बचपन से भले पढ़ रहे हैं, यहां पर कुछ और मिलेगा आपको, बस इंतजार करिए। हमने कहा दोस्तों कि पूरी इंग्लिश ग्रामर हम लोग कवर कर लेंगे दोस्तों, बस लगे रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब रेस लगानी है दोस्तों घोड़ों की तरह। और हर सुबह जो है आइए, केवल मात्र 15 मिनट दीजिए दोस्तों, 15 मिनट में आपका मैक्सिमम कवर होगा, मेरी गारंटी है दोस्तों। देखिए यदि वर्ड का प्रोनाउंसिएशन का फर्स्ट साउंड वावेल है, जैसे दोस्तों अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में आया, रूपी, रूपी में देखिए क्या है, वन, ए वन रूपी, तो व आ गया दोस्तों। उसी तरह एन अम्ब्रेला, एन ऑनेस्ट, इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ा जाएगा दोस्तों, हॉनेस्ट नहीं पढ़ा जाएगा, ऑनेस्ट पढ़ा जाएगा। तो दोस्तों सुनिए, जिसमें वावेल साउंड मिले वहां पर एन का प्रयोग करते हैं, और जिसमें स्वर साउंड मिले वहां पर ए का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो जैसे चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है सुनिएगा। कह रहा है दोस्तों, इस बात का बिल्कुल भी ध्यान न दें कि वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि अगर वावेल है, वावेल का मतलब ए ई आई ओ यू, अगर वावेल है दोस्तों तो इसके साथ एन का प्रयोग किया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, वावेल से नहीं मतलब है, केवल आपको अक्षर उसका प्रोनाउंसिएशन करिए, और प्रोनाउंसिएशन में अगर वावेल से मिल जाता है दोस्तों तब वहां पर हम एन का प्रयोग करते हैं, और वहीं प्रोनाउंसिएशन में अगर वावेल नहीं मिलता तो वहां पर ए का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर कोई कंफ्यूजन में हो दोस्तों, तो देखिए हम लोग लिखते हैं यूनिवर्सिटी, जी हाँ दोस्तों हम लोग लिखते हैं यूनिवर्सिटी। अब इसको पढ़ते क्या है दोस्तों, इसको पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी, जी हाँ दोस्तों इसको पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों यहाँ देखिए यू, यू है तो यू दोस्तों, लेकिन यहाँ पे यह निकला है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ए यूनिवर्सिटी होगा दोस्तों, देख रहे हैं ना, ए यूनिवर्सिटी। उसी तरह दोस्तों ए आंटी, तो ए यूनिटी, देखिए दोस्तों यूनिटी, तो यहाँ पर दोस्तों यूनिटी, इसको जब पढ़ेंगे तो यूनिटी होगा, जबकि अगर कोई कहेगा कि अगर वावेल्स रहेंगे तो उसके पहले एन लगेगा, तो उसका यहाँ पर गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे यू है देख रहे हैं, तो सोचेंगे बच्चे कि यहाँ पर एन होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, आपको ध्यान क्या रखना है, प्रोनाउंसिएशन करिए, अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में वावेल्स मिलता है तो वहाँ पर एन का प्रयोग करिए, अगर प्रोनाउंसिएशन में आपको वावेल्स नहीं मिलता है तो वहाँ पर ए का प्रयोग करिए। जैसे दोस्तों देखिए एन एम ए, जब एम ए को पढ़ेंगे दोस्तों तो एम ए, तो क्या पढ़ रहे हैं देखिए एम ए, तो ए, ए क्या है आपका, वॉबल्स है, तो वॉबल्स के पहले एन का प्रयोग किया जाएगा। उसी तरह दोस्तों एन एम एल ए, एन एम एस सी, एन एम कॉम, तो देख रहे हैं दोस्तों इसके पहले अगर बच्चे उस पर जाएंगे तो कहेंगे कि यहाँ पर यम है, यम आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, और उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे, तो अर्थात गलत हो जाएगा। चलिए आगे चर्चा करते हैं दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार सब लोग कमेंट करिए दोस्तों, एक बार सब लोग कमेंट करिए, मैं कमेंट देख रहा हूं, एक बार जय हिंद लिखिए दोस्तों, अगर समझ में आ रहा हो दोस्तों जय हिंद लिखिए, अभिषेक, सुनील, नील प्रताप, एक बार सभी लोग जय हिंद लिखिए दोस्तों, और अभी आप भी कमेंट में आइए और कमेंट करिए दोस्तों। मैंने कहा कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अब आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है दोस्तों, इसीलिए अब इस तरह पढ़ाएंगे जिसमें आपको 15 मिनट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जो आप 40 मिनट देखते थे दोस्तों वो आप 15 मिनट में देखेंगे, अर्थात अब हम लोगों को लग जाना है दोस्तों, एकदम तैयारी जोर शोर से करनी है। तो चलिए दोस्तों स्पेसिफिक रूल पढ़ते हैं, अर्थात क्या स्पेशल रूल है इसका, देखिएगा इसकी पीडीएफ दोस्तों,
पीडीएफ आपको मिलेगी, लेकिन पीडीएफ उसी बच्चों को मिलेगी जो पढ़ेगा। तो दोस्तों ये दो पार्ट में है, जो आपका आर्टिकल है दो पार्ट में कंप्लीट होगा दोस्तों। और ये इसका जो पासवर्ड है दोस्तों, इसका पासवर्ड आपको आज बताया जाएगा या फिर कल बताया जाएगा, तो वो कब बताया जाएगा, अभी बताया जाएगा, आप देखिए। तो सुनिएगा दोस्तों, सुनिएगा क्या कह रहा हूँ। प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन का यूज नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, सामान्यतः ए और एन का यूज नहीं करते। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या हो गया दोस्तों? प्रॉपर नाउन का मतलब हो गया किसी का नाम हो गया, जैसे रमेश, सुरेश, दिनेश, तो ये सब नाम है दोस्तों, प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन के पहले दोस्तों ए या एन का प्रयोग नहीं करते। तो यहां पर देख रहे हैं दोस्तों, यदि प्रॉपर देख रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल में क्या है देखिएगा, ही इज रमेश, वह रमेश है। जैसे दिस नॉवेल इज रिटन बाई विलियम शेक्सपियर, तो दोस्तों देख रहे हैं ये नाम है दोस्तों, और नाम के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। उसी तरह दोस्तों, यदि प्रॉपर नाउन स्पीकर के लिए अननोन है, मतलब अगर प्रॉपर नाउन का प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों और जो बोल रहा है अगर वो उसको नहीं जानता, तो वहां पर ए और एन का प्रयोग कर सकता है। जैसे मैंने जो है, मैंने कल एक लड़के को देखा, तो आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। तो दोस्तों, या फिर कह दीजिए कि मैं आज राम से मिला, और अगर आप राम को नहीं जानते तो आई मेट ए राम, तो मैंने राम से मिला। जैसे देखिए दोस्तों, लिखा है यहां पर दिस बुक इज रिटन बाय संतोष, यह बुक संतोष के द्वारा लिखी है दोस्तों। अब संतोष को तो मैं जानता नहीं हूं, तो अर्थात दोस्तों इसके पहले किसका प्रयोग किया गया, ए का प्रयोग किया गया। वहीं अगर हम बात करें ए राम केम टू मी यस्टरडे, तो ए राम मतलब राम, केम टू मी मतलब आया था मेरे पास, यस्टरडे मतलब कल, मतलब राम मेरे पास कल आया था दोस्तों, और राम को मैं नहीं जानता, इसीलिए इसके पहले ए का प्रयोग किया गया है। तो याद रखिएगा कि अगर, वैसे सामान्यतः प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन का यूज नहीं होता है, लेकिन अगर आप उसको नहीं जानते हैं जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आप ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट के बाद ए या एन का प्रयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कितना सुंदर दृश्य है, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन्स, तो व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन्स, तो देखिए व्हाट के बाद हमने क्या लगाया दोस्तों, ए का प्रयोग किया गया। जैसे कितना सुंदर लड़का है, तो व्हाट ए बॉय ही इज, कितना सुंदर लड़का है, व्हाट ए बॉय ही इज। वहीं दोस्तों, व्हाट एन एक्सीलेंट आइडिया, कितना अच्छा विचार है दोस्तों, तो व्हाट के बाद देखिए एन का प्रयोग किया गया। तो हमने क्या बताया दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट के बाद ए या एन का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, प्रतिमाह या प्रति वस्तु की कीमत के रेफरेंस में दोस्तों ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे यह सेब 2 रुपए प्रति किलो है दोस्तों, तो दिस एप्पल इज ए, क्या बोल रहा हूं दोस्तों, 10 रुपए प्रति किलो है ना, तो इज 10 रुपी ए केजी। जी हाँ दोस्तों, तो यह सेब 10 रुपए किलो है दोस्तों, तो यहाँ पर ए या एन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए लिखा होगा आपकी, इसमें भी एग्जांपल दिया गया है, तो रमेश कैन रन 10 किलोमीटर एन आवर, रमेश 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ सकता है दोस्तों, तो यहाँ पर देख रहे हैं एन आवर लिखा है। उसी तरह देखिए, मैंगो सेल्स 50 रुपए ए किलो, आम जो है 50 रुपए का 1 किलो मिलता है, तो दोस्तों 1 किलो लगा है। तो हमने कहा कि अगर आपकी वस्तु की कीमत दी गई है और प्रति किलो के हिसाब से दी गई है या प्रति के सेंस में दी गई है, तो वहाँ पर ए या एन का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले वर्ड पर, प्रोफेशन के पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों, प्रोफेशन क्या हो गया, प्रोफेशन का मतलब आप जो काम करते हैं दोस्तों, आप जो काम करते हैं उसके पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे वह जो है, वह एक एमपी है, तो ही इज एन एमपी। जैसे राज बब्बर एक एमपी है, तो राज बब्बर इज एन एमपी। उसी तरह अगर कह दिया जाए कि मतलब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो नरेंद्र मोदी अब पीएम लिखा है ना, तो नरेंद्र मोदी इज ए पीएम, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। उसी तरह दोस्तों देखिए, ही इज ए मैनेजर, वह एक मैनेजर है, तो ही इज ए मैनेजर। उसी तरह दोस्तों, अगर कह दिया जाए वह एक टीचर है, तो ही इज ए टीचर। वह एक प्रोफेसर है, ही इज ए प्रोफेसर। तो अर्थात दोस्तों, जब किसी का प्रोफेशन रहे, किसी की नौकरी की बात की जाए, तो वहां पर ए का प्रयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है सुनिएगा। कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति की पहचान, सुनिएगा, अगर
किसी व्यक्ति की पहचान किसी स्पेशल पर्सन के रूप में दी जा रही है तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग करें। जैसे दोस्तों कि तुम आज के गांधी हो, यू आर ए गांधी ऑफ टुडे, तुम आज के गांधी हो। दोस्तों जैसे वह गांधी है, ही इज ए गांधी, तो मतलब चूंकि गांधी से तुलना की जा रही है अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, एज ग्रेट एज गांधी, मतलब वह इतना महान है जितना कि गांधी थे, तो वही चीज हुआ दोस्तों, ही इज ए गांधी। जैसे ही इज ए हिटलर, वह हिटलर है दोस्तों, तो इसीलिए हिटलर के पहले देखिए ए का प्रयोग किया गया। जब किसी की तुलना किसी से की जाए तो वहां पर ए या एन का प्रयोग करते हैं। अगले रूल पर चलते हैं दोस्तों, छठवां क्या कह रहा है कि किसी ग्रुप को एक्सप्रेस करने के लिए ए या एन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों बहुत कम बच्चे देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं, मैंने कहा दोस्तों आप लग जाइए, एकदम लग जाइए, धुआंधार लग जाइए दोस्तों, आप लोग करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और लाइक भी बहुत कम है दोस्तों, लाइक भी बहुत कम है, जल्दी से एक बार लाइक करिए दोस्तों, एक बार शेयर करिए। मैंने कहा कि आपको आप दोस्तों बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हमारे साथ लग जाइए, केवल मात्र 15 मिनट में आपका पूरा जो है क्लियर करा दिया जाएगा टॉपिक, हर टॉपिक अब टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों और पूरा क्लियर करते चलेंगे। तो सुनिएगा दोस्तों, किसी ग्रुप को एक्सप्रेस करने के लिए ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों यह चिड़ियों का झुंड है, दिस इज ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स। उसी तरह दोस्तों यह स्पैरो, देखिए ए स्पैरो इज ए बर्ड, स्पैरो एक पक्षी है दोस्तों, तो उसी तरह लिखा गया है ए स्पैरो इज ए बर्ड। वहीं ए यानी कि हाथी एक जानवर है, तो एन एलिफेंट इज एन एनिमल, एलिफेंट एक जानवर है। उसी तरह दोस्तों कुत्ता एक जानवर है, तो ए डॉग इज एन एनिमल। तो दोस्तों देख रहे हैं कि जब भी किसी का मतलब किसी ग्रुप को एक्सप्रेस किया जाता है तो उसके पहले क्या करते हैं, ए या एन का प्रयोग करते हैं। वहीं अगर हम आगे चलें दोस्तों, तो यदि एक वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह किया जाए तो भी ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों रवि हैज गॉन फॉर ए राइड, रवि राइड अर्थात रवि जो है गया किसके लिए दोस्तों, राइड के लिए, और राइड करना मतलब क्या हुआ दोस्तों, कहते नहीं हैं कि लॉन्ग ड्राइव पे चल, गाना सुने कि नहीं दोस्तों, बताइए, कमेंट करिए, बताइए सुने कि नहीं, लॉन्ग ड्राइव पे चल, तो वही चीज़ है दोस्तों, अर्थात राइड पर गया, अर्थात दौड़ने गया, या फिर दोस्तों साइकिल सवारी पर गया, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर क्या है, राइड एक वर्ब है दोस्तों, और इसको यूज किस तरह किया गया है, नाउन की तरह यूज किया गया है। वही तरह देखिए दोस्तों, सीता गोज फॉर ए वॉक डेली, सीता गोज माने जाती है फॉर ए वॉक, मतलब मॉर्निंग वॉक के लिए, डेली मतलब डेली, तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों वॉक जो है इसको नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, आठवां क्या कह रहा है सुनिएगा, आठवां कह रहा है दोस्तों मेनी, रैदर, क्वाइट, सच, इसके सबके बाद ए या एन का यूज किया जाता है दोस्तों। जैसे रैदर ए, या मेनी ए, या क्वाइट ए, या सच ए, या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों मेनी ए मैन, मेनी मतलब बहुत से, ए मतलब एक, मैन बहुत से आदमियों में से एक, वाज गोइंग देयर, यहाँ पर एरर दोस्तों क्या करेंगे पता है, यहाँ पर एरर दे सकते हैं दोस्तों, मेनी ए मैन वर गोइंग। तो दोस्तों याद रखिएगा जब भी मेनी ए रहेगा तो मेनी ए के साथ जो वर्ब रहेगी दोस्तों ये सिंगुलर वर्ब रहेगी, याद रखिएगा मेनी ए के बाद दोस्तों सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, तो मतलब सिंगुलर नाउन आए तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज रैदर ए पिटी, जी हाँ दोस्तों इट इज रैदर, अब दोस्तों रैदर ए का प्रयोग किया जाता है भाई, इट वाज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, तो क्वाइट एन मैंने कहा दोस्तों कि इनके सबके साथ किसका प्रयोग किया जाता है, ए या एन का, वो भी कब, जब सिंगुलर नाउन आएगा दोस्तों तब। वहीं अगले नौवे वर्ड पर देखिए दोस्तों, तो यदि एडजेक्टिव के पहले सो, एज, टू, हाउ, क्यूट लगा है तो उसके बाद नाउन आया हो तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों सो या एज या टू एडजेक्टिव क्या है दोस्तों, मैंने बताया कि एडजेक्टिव का मतलब जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए दोस्तों वही एडजेक्टिव है। जैसे इट इज टू हैवी ए पार्सल फॉर मी टू कैरी, जी हाँ दोस्तों इट इज टू हैवी ए पार्सल, तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं पार्सल है दोस्तों, और इसके पहले ए का प्रयोग किया गया है। वहीं राम इज नॉट सो बिग ए फूल एज यू थिंक, मतलब राम इतना मूर्ख नहीं है जितना तुम सोचते हो दोस्तों, देख रहा हूँ ए फूल लगा है, और यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों
है भी विशेषता है और इसके बाद ए पार्श्व लगा है। तो ठीक दोस्तों, ये थे हमारे वर्ड दोस्तों। दसवां देख लेते हैं और आज का आखिरी वर्ड देख लेते हैं दोस्तों। कुछ फ्रेज के साथ ए या आयन का प्रयोग करते हैं, जैसे इन ए हरी, इन ए नटसल, ये फ्रेज है दोस्तों, ईडियम्स एंड फ्रेज है। इसको हम ईडियम्स एंड फ्रेज में भी बताएंगे दोस्तों। तो ये आपको पीडीएफ जब मिलेगी दोस्तों तो इसको आप लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो ये थे हमारे आर्टिकल के 10 रूल दोस्तों, जो कि ए से संबंधित थे, ए और एन के। कल हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे आर्टिकल में द का यूज। जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल में कल हम पढ़ेंगे यूज ऑफ द। तो अर्थात दोस्तों दो दिन में एक चैप्टर कंप्लीट होगा और पूरी लूसेंट का निचोड़ आपको दिया जाएगा यहाँ पर दोस्तों, पूरी लूसेंट का निचोड़ दिया जाएगा। बस आप पढ़ते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए दोस्तों। जो आपको पीडीएफ मिलेगी दोस्तों उसका जो पासवर्ड है दोस्तों उसे कल बताया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो आपका पासवर्ड है दोस्तों उसे कल बताया जाएगा। तो एक बार जल्दी से जय हिंद लिखिए दोस्तों, सब लोग एक बार जल्दी से जय हिंद लिखिए। अभिषेक, मोहित, दिलीप, आशीष, जल्दी से सब लोग जय हिंद लिखिए। नितेश कुशवाहा, नील प्रताप, जल्दी से सब लोग जय हिंद लिखिए और बताइए कि समझ में आया कि नहीं, मज़ा आई कि नहीं, बताइए मज़ा आई कि नहीं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, कल देखते हैं अगले टॉपिक पर, यूज ऑफ द अर्थात डेफिनिट आर्टिकल कल हम लोग पढ़ेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद।